नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नई सरकार आज शपथ लेगी। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली निर्वाचित सरकार होगी। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं पंजाब के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया है। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पंजाब की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पांच सिंह साहिबान की तरफ से अकाली नेता विरसा सिंह बलटोहा पर 10 साल का राजनीतिक प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि सिंह साहिबान ने बलटोहा को अकाली दल से निकालने के आदेश दिए हैं। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी आज अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। ये जानकारी यूपी उपचुनाव के ऐलान के तुरंत बाद सामने आई है। जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पांडे एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय आज श्री रामलला तथा संकट मोचन प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे। हरियाणा में 17 अक्टूबर को पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित दशहरा ग्राउंड में नए सीएम और उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण सुबह 10 बजे होगा। कार्यक्रम को लेकर प्रदेश बीजेपी की ओर से भव्य तैयारियां हो रही हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण में 1,00,000 लोगों की मौजूदगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला करते हुए कहा कि केवल 40% दिव्यांगता के लिए किसी व्यक्ति को मेडिकल की पढ़ाई करने से रोका नहीं जा सकता, जब तक कि कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट उस व्यक्ति को MBBS की पढ़ाई के लिए अक्षम नहीं घोषित कर दे। कोर्ट ने विकलांगता बोर्ड को भी निर्देश जारी किए हैं। सुबोधकर्ता सहाय ने झारखंड विधानसभा चुनाव को चरणों में कराने के चुनाव आयोग के फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, महाराष्ट्र की तरह ये प्रक्रिया एक चरण में ही पूरी की जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि 2 चरण के कार्यक्रम ने कांग्रेस के अभियान प्रयासों को प्रतिबंधित कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस अच्छी तरह से तैयार है और आग्रह किया कि गठबंधन के भीतर सीट वितरण को 20 अक्टूबर तक अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ताकि अभियान एकजुट होकर शुरू हो सके। झारखंड विधानसभा चुनाव चरम पर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वे भ्रष्ट हैं और लोग चाहते हैं कि ये सरकार चली जाए। सबसे पहले मैं चुनाव आयोग को बधाई देता हूं कि वे झारखंड में 2 चरणों में चुनाव करा रहे हैं। इससे पहले वहां चुनाव लंबे समय तक 5 चरणों में होते थे। हमने देखा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कैसे शांतिपूर्ण चुनाव हुए, इसलिए चुनाव आयोग निश्चित रूप से बहुत निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराएगा। बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारे कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम के साथ आगे बढ़ें और राष्ट्र के प्रति समर्पण के साथ काम करें। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के नेता अनिल देशमुख ने चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी MVA गठबंधन की तैयारियों पर भरोसा जताया, इसके सहज समन्वय का हवाला दिया। कांग्रेस और शिवसेना UBT सहित साझेदार। देशमुख ने आश्वासन दिया कि सीट बंटवारे की घोषणा जल्द ही की जाएगी। गठबंधन चुनाव जीतने और सरकार बनाने के अपने लक्ष्य को लेकर एकजुट है। महाराष्ट्र में एक ही चरण, 20 नवंबर को मतदान है। जदयू के नेता नीरज कुमार ने TMC पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर TMC का जो व्यवहार है वो सीधे तौर पर महिला विरोधी है। उन्होंने कहा कि TMC को बेटी की चित्कार पर नहीं बल्कि राजनीतिक चित्कार पर भरोसा है।